नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस FIR दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने कांग्रेसियों का आवेदन स्वीकार कर उन्हें कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस घोटाले के खिलाफ निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार हल्ला बोल रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर भोपाल में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में मौजूद रहे। पैदल मार्च निकाल रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने चौराहे पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। यहां भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। टकराव के हालात को देखकर पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। हंगामे के बीच कांग्रेस ने मंत्री सारंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग का ज्ञापन पुलिस को सौंपा। जीतू पटवारी ने कहा कि 4 लाख स्टूडेंट नर्सिंग घोटाले से पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र है, व्यापम के काले कांड के बाद लगातार बच्चों के भविष्य को का गला रोंदा जा रहा है। नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के सरकार में उनके मंत्री यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, जिसका की FIR हम कराने के लिए आए, तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। नर्सिंग के 4 लाख बच्चियां जिनका गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी लड़ाई नहीं लड़े। ACP मयूर खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने नर्सिंग घोटाला मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इस पर जांच करके फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है। इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये एक सामाजिक मंदिर है। थाने के अंदर समाज से जुड़े कई लोग आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं और सुंदरकांड करते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ आक्रामक होते हुए कहा है कि अब हम भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मंदिर के अंदर मनाने जाएंगे। अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं। यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। किसी एक कोई ये जो मंदिर बना हुआ है जन सहयोग से बना हुआ है, तो बाहर किसी का जन्मदिन के अवसर, पहले भी सुंदरकांड हुआ है तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर उसको अनुमति दे दी गई। एक बात सुनो, पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।